अभी तक की विवाद थी जो आप देखते हैं? फिल्म बहुत ही खूबसूरत बनाई है रजनीश जी ने, बहुत खूबसूरत, और परफॉर्मेंस वाइज कहा जाए तो सारे अम्रपाली जी ने, चिंटू जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और मेनली जो है वो रजनीश जी का काम सबसे बेहतरीन। आंखों में थोड़ी नमी भी लग रही है, इमोशनल लग रहा है। नहीं नहीं, फिल्म इतनी खूबसूरत है कि मुझे लग रहा है मैं तो भोजपुरी बहुत कम ही लोगों की देख पाता हूँ, और फिल्म बहुत सेंसिटिव है, फिल्म बहुत अच्छी है, पारिवारिक है, और फैमिली बहुत खूबसूरत सा फैमिली ड्रामा लव स्टोरी फिल्म है। परफॉर्मेंस तो माइंड ब्लोइंग, परफॉर्मेंस तो खैर अम्रपाली, चिंटू एंड इज एवरी कास्ट इज ब्रिलियंट, एंड स्पेशली आई से वंस अगेन रजनीश जी माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा काम किया। स्माइल दिख रहा है तो आपको अंदाजा लग गया होगा, बहुत अच्छी फिल्म है। बहुत टाइम बाद मैंने भी वो इतनी अच्छी फैमिली ड्रामा देखी है, फिल्म लव स्टोरी और फैमिली ड्रामा, सुपर। देखिए दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं, हमारे इंडस्ट्री के बड़े एक्टर हैं दोनों, और सच में दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। आम्रपाली जी एंड चिंटू ऑलवेज ग्रेट एक्टर, दोनों बहुत अच्छे हैं और दोनों ने बहुत मेहनत किया है, और बहुत कमाल लग रहा है दोनों का केमिस्ट्री। देखिए म्यूजिक के बारे में तो पूछ ही नहीं सकते, चूँकि जो डायरेक्टर हैं रजनीश जी वो खुद म्यूजिक डायरेक्टर हैं फिल्म के, और पहले भी उन्होंने जितनी फिल्में की है जब वो डायरेक्टर नहीं थे तब भी तो उनके म्यूजिक का मैं पहले से रहा हूँ बहुत, मैं प्रशंसा करता रहा हूँ, मैं खुद ही सुनता हूँ उनके गाने, तो जब वो अपनी फिल्में बनाते हैं तो उसमें तो जरूर कुछ स्पेशलिटी जरूर डालते हैं, और मुझे तो मतलब मेरे फ्लेवर का बहुत जितने भी गाने थे, खास करके जो उन्होंने BGM में यूज़ किया है कंटिन्यू, उस गाने को बहुत अच्छा लग रहा है, तो रजनीश जी के गाने तो अल्टीमेट हमेशा ही होते हैं। 5 में से स्टार दूंगा नहीं, चूँकि देखिए हमारा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत नहीं होता है, लेकिन जो कंटेंट था वो स्ट्रॉन्ग था बहुत, और मेकिंग बहुत कमाल है, गाने बहुत अच्छे हैं, मतलब ऑल ओवर बहुत अच्छी फिल्म है। अब बाकी जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं भोजपुरी सिनेमा को, उनको ये आके देखना चाहिए ज़रूर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी फिल्म लगी, और रजनीश भैया का तो जवाब नहीं, कमाल की फिल्म बनाते हैं वो, इससे पहले भी जो फिल्में उनकी देखी हमने, गाने पर बहुत अच्छी पकड़ है उनकी, और कॉन्सेप्ट तो बहुत प्यारा है, और अच्छी फिल्म। देखिए चिंटू जी तो कमाल के एक्टर हैं, और अम्रपाली जी तो है ही, और मेरा मानना है कि आने वाले सुपरस्टार तो यही है, 3 स्तंभ 4 स्तंभ जो है हमारे, एक सुपरस्टार तो हैं ही है चिंटू जी, और अच्छा लगा, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है अरविंद भैया ने, और कमाल का, और दिल से धन्यवाद दूंगा मैं निशांत भाई का कि इतना अच्छी फिल्म बनाना, इतना खर्चा करना लेविश तरीके से, अच्छा लगा। सर स्टार तो है ही। विवाह 3 अब क्या, फिल्म बहुत ही अच्छी अच्छी बोले तो रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म, और जो एक्टरों का पैकेज है ना ज़बरदस्त है, डायरेक्शन कमाल का है, स्क्रीन प्ले कमाल का है, जो एक देखने के फिल्म जो देखने के बाद, मैं सच बोलूं मैं तो फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मैं फिल्म में जुड़ा हुआ हूं, मैं अभी तक फिल्म देखा नहीं था, शूट करना और देखना दोनों में बहुत अंतर है, मैं कम से कम फिल्म में 6-7 बार मेरी आंखों से आंसू आ गए, और रियली कमाल की डायरेक्शन है रजनीश जी की, चिंटू जी ने बहुत अच्छा एक्टिंग की है, अम्रपाली जी ने तो अभी क्या बोलूँ, क्लाइमेक्स में तो ऐसा किया है, अवधेश जी तो कमाल के, राम सुजान जी ने बहुत अच्छा अपने कैरेक्टर को की जिया है, एवरीथिंग सारे म्यूज़िक तो कमाल का है, मुझे लगता है कि ये मेहंदी लगा के रखना के बाद का म्यूजिकल लव स्टोरी फिल्म है, कमाल की फिल्म है, इसमें 5 इस फिल्म के लिए बहुत कम है, आप 10 देते तो मैं 10 का 10 बोलता, मेरी फिल्म है इसलिए नहीं, जो भी देखेगा, और शायद आप लोगों ने भी देखा होगा तो ये कह नहीं सकते कि फिल्म में कहीं कमी है, कमाल की फिल्म है, और भगवान करे कि फिल्म अच्छा चले, बिजनेस करे, तो प्रोड्यूसर्स तो हमारे ने जो मेहनत किया है, देखिए प्रोड्यूसर ही फिल्म बनाता है ये तो सच है, डायरेक्टर उसका पूरा, डायरेक्टर ने तो कमाल काम किया, प्रोड्यूसर ने सहयोग किया, तो इसलिए फिल्म बहुत अच्छी बनी है, भगवान करे फिल्म अच्छा चले, थैंक यू। सर मैं एक ही शब्द में कहना चाहता हूँ इस फिल्म के बारे में, एक ही शब्द में कहना चाहता हूँ कि ब्लॉकबस्टर है, एकदम सुपर हिट पिक्चर है ये, पूरे साल की अगर देखा जाए तो नंबर 1 पिक्चर है, पारिवारिक पिक्चर है, पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हैं, म्यूजिक हो, एक्टिंग हो, स्टोरी हो, सब 1 नंबर है सर।
बस इतना ही कहना चाहता हूँ। 5 में से 5 स्टार में देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी फिल्म लगी और रजनीश सर बहुत अच्छी फिल्म बनाए और मेरे गुरु जी भी हैं और लाजवाब। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगी पिक्चर? मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, साफ सुथरी मूवी है, अश्लीलता से बहुत दूर है और फैमिली के साथ देखने वाली मूवी है, बहुत अच्छी मूवी। 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 तो आप कम बोल रहे हैं, कम से कम 25 बोलना चाहिए। बहुत अच्छी फिल्म कि अब समझ लीजिए कि 8 से 9 बार रोना पड़ा, यहाँ तक कि सब कुछ करने के बाद भी बहुत अच्छी। और कितने स्टार देना चाहेंगे? ऐसी मूवी को आप 10 में से 10 स्टार देंगे। क्या फिल्म है? मैं परफेक्ट टाइम पे आया, एक्चुअली मैं लेट हो रहा था लेकिन परफेक्ट टाइम आया, प्रॉपर पूरी पिक्चर देखी मैंने। अभी इंटरव्यू आप लोग पिक्चर ख़त्म होने के बाद ले रहे हैं और जब तक रुका हुआ हूँ मैं, पिक्चर वाकई बहुत अच्छी बनी है और चिंटू ने कमाल का काम किया है, रजनीश मिश्रा डायरेक्टर का बहुत अच्छा काम है और निशांत उज्ज्वल प्रोड्यूसर साहब है, अच्छा खर्चा किया है। 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे? 4.5। इतनी अच्छी फिल्म है भाई और ऐसी फिल्म है ना भोजपुरी में बननी चाहिए। लगभग बहुत सालों बाद मैं भोजपुरी फिल्म देखने गया और फिल्म इतनी अच्छी लगी मुझे। भोजपुरी में ऐसी फिल्में बार बार बननी चाहिए। मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा जो इसके डायरेक्टर है रजनीश मिश्रा और जो इसके प्रोड्यूसर है निशांत उज्ज्वल। हमने तो मेहनत किया और अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो मेहनत सार्थक होता हुआ दिख रहा है और हमारे इंडस्ट्री के मतलब डायरेक्टरों के एक तरह से बोलें तो गार्जियन और जिन गुरु जिनसे हम लोगों ने सीखा है, सीख सीख के बना रहे हैं, राजकुमार भैया अपना कमेंट देंगे, ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए होगी। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी बात? मैं इतना ही कहूँगा कि अभी तक मेरी आँखें नम हैं, मैं मतलब मैं जाके जबकि मुँह धोया हूँ बाकायदा तो वॉश बेसिन में। और क्या फिल्म बनाए हैं, मतलब मैं इनकी फिल्मों का तो हमेशा दर्शक रहता हूँ, फ़ैन रहता हूँ। ये जो भी फिल्म बनाते हैं बहुत सुंदर बनाते हैं, लेकिन विवाह 3, चूँकि विवाह 1 आ चुकी है, विवाह 2 आई है, तीसरी बार विवाह 3 का जो जिम्मा है इनके कंधे पर। तीनों में अलग अलग डायरेक्टर रहे हैं, पार्ट 1 में भी मंजुल थे, बहुत खूबसूरत पिक्चर थी, पार्ट 2 में प्रिमांशु थे, वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि 3 को लेकर कैसे आएँ, और जब शुरुआत के 1-2 सीन शुरू हुए तो मुझे लगा पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, थोड़ा लाइट सा ड्रामा लगा, लेकिन हैट्स ऑफ है मतलब रजनीश को, कमाल इन्होंने जो डायरेक्ट किया है। और चिंटू का जो मैंने परफॉर्मेंस देखा ना, मतलब मैं एक पिता हूँ और अपना बच्चा हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन वो बच्चा ही लगता है जैसे अपना बेटा बेटा ही लगता है, कई बार फिल्म के अंदर भी लगते हैं कि नहीं चिंटू ही हैं, बट पहली बार फिल्म देखते ही मैं भूल गया कि वो मेरे बेटे ही परफॉर्म कर रहे हैं। मैं मतलब प्राउडली, मैं इतनी फिल्में उन्होंने की, 60-70 फिल्में की है, मेरे साथ भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, तमाम निर्देशकों के साथ की है, सब ने बेस्ट टू बेस्ट प्रेजेंट किया है उनको, मैंने खुद भी प्रेजेंट किया है, बट वो किरदार से अगर आप भूल जाओ, अपने रिश्ते से भूल जाओ ना, इट मीन्स वो डायरेक्टर कॉल है, वो परफॉर्मर का कॉल है, वो जो एक देसी छाप उन्होंने छोड़ा है उस फिल्म के अंदर, और बहुत अच्छा मतलब कमाल है। आम्रपाली का जो परफॉर्मेंस है, केमिस्ट्री जो है दोनों की, अवधेश मिश्रा का मतलब हिला देता है, वो जो गुदगुदाता है ना जब वो जो आम्रपाली और इंडिया दोनों के बीच का जो रोमांस है वो बहुत अच्छा और बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत मतलब जिसको संस्कार, मुझे लगता है जैसे मैं, मेरी दोनों बेटियाँ भी आई थी देखने, मेरी वाइफ मेरी मदर सब लोग आई थी, तो मुझे लगता है ये स्पेशली बेटियों को फिल्म तो दिखानी ही चाहिए, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर कहीं माँ बाप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं अपने बच्चे के सामने कि मुझे कैसे उनको डायरेक्ट बोलना है, इस फिल्म को ज़रूर एक बार दिखा देना चाहिए। तो अपने जड़ों से जुड़े रहो, अपने संस्कारों से जुड़े रहो। तो जी सर, इसमें मैंने ये देखा है कि आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, चाहे आम्रपाली की बात हो चाहे चिंटू जी की बात हो, लेकिन उससे ज़्यादा जो रजनी जी ने दिखाया है, गांव को दिखाया है, गांव बहुत खूबसूरती से दिखाया है, संस्कृति बहुत खूबसूरती से दिखाया है, गांव में जो कपूसिट होता है जो हम दिखाई नहीं देता है वो दिखाया है, पगडंडी बहुत अच्छी दिखाई है, सर उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? यही तो है, यही हमारी मिट्टी की खुश, देखिए हमारे पास बजट नहीं होता है, जितने में हिंदी सिनेमा के लोग सोचते हैं कि हमें एक फिल्म बनानी है
उतने में हमें हमारे निर्देशकों को हमारे निर्माता को उसमें फिल्म बनानी होती है, उतना हमारा बजट होता है उनके सोचने का। और उन्हीं जैसे बड़ी बड़ी फिल्में देखी यहाँ लगी हुई हैं लाइन से, अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो उनके बीच भी बात लगी। यहाँ मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी फिल्में होंगी जिसमें 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़ के ऊपर की और कई 100 करोड़ की फिल्में यहाँ लगी। उसमें टाइगर 3 का लगा, एक कम बजट की फिल्म है लिमिटेड, जिसका स्क्रिप्टिंग का खर्चा इसे मतलब इस फिल्म के लागत का उनकी फिल्मों की स्क्रिप्टिंग के भी कम खर्चे में हमारी ये फिल्म बनी हुई है। उससे तो शायद राइटर लिया होगा उस पिक्चरों का तो ये। और मैं इवन हमारे निर्माता जिन्होंने निशांत उज्जवल मेरा छोटा भाई जिसने हिम्मत बांधी और फिर इनके थॉट का दाद देना पड़ेगा कि अयोध्या में चूँकि शूटिंग हुई थी और तमाम लोकेशनों पर हुई है, लेकिन ये नहीं कि कहीं किसी फ्लो में बह के अयोध्या के बड़े बड़े इमारत दिखाने हो, नहीं, ये लोग अयोध्या से जाके 40-50 किलोमीटर जहाँ तक मैं सुनता था गांव में सर्दी के मौसम में जाके अंदर शूटिंग करते थे। तो ये हम वहीं हमारी जीत होती है जो हिंदी सिनेमा नहीं दिखा पाता, जहाँ हमारी भाषा, हमारा कल्चर, हमारा संगीत, मतलब सारे गाने क्लास हैं, कान में गूंजते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ जहाँ तक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लोग ज़रूर देखिए, गाने सुनिए। और विवाह 3 जैसी फिल्म को ना अगर हम भोजपुरियत मन के अंदर रखे हैं, सबको भूल के इसको ज़रूर देखना चाहिए अगर हमें अपनी भाषा को बढ़ाना है, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना है। तो गन्नी से क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि ये बॉम्बे का वो इलाका है जहाँ रियल पब्लिक यानी कि वास्तविक दर्शक बोले जाते हैं और यहाँ वो दर्शक जो फिल्म देखते हैं वो पिक्चर हिट भी होती है और यहाँ अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है, आप क्या कुछ? ये अभी फिल्म हाउसफुल थी और मेरे लिए थोड़ा सा ये बड़ा ही भावुक वो क्षण था जब इसके अंदर मैं हॉल के अंदर घुस रहा था, क्योंकि सिनेमा हॉल के अंदर मैंने लास्ट फिल्म जो है वो कभी खुशी कभी गम देखा है और ऐसी ही फिल्में यहाँ पे लगती हैं। और आज हमारी विवाह 3 ऐसे सिनेमा हॉल में लगी है जो ये गेटी गैलेक्सी और G7 का जो ये ब्रांड है इसके अंदर इतने बड़े प्लेटफॉर्म, इतने बड़े सिनेमा हॉल में लगी है। तो एक तरह से मन को ये संतुष्टि भी मिली कि एक पायदान चढ़ कर के हम यहाँ तक तो पहुँचे। मल्टीप्लेक्सेस वगैरह में लगा लेना और सिनेमा को वहाँ तक पहुँचा देना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये G7 के अंदर जो ये गैलेक्सी सिनेमा है, जो ख्वाब हुआ करता था कि बांद्रा का गेटी और गैलेक्सी में हम लोग आके धक्का मुक्की करके पिक्चरें देखा करते थे, आज वहाँ पे अपनी फिल्म को लोगों सिनेमा के सारे स्टारों ने यहाँ बैठ के फिल्में देखी, सारे स्टार, कोई ऐसा स्टार बिल्कुल। और ये वो सिनेमा हॉल है जहाँ पे अभी KD जी मिले थे तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे उन्होंने बाजीगर तो डर तो क्या क्या फिल्में जो यहाँ, मतलब कोई ऐसी हिंदी की बड़ी फिल्म नहीं है, चाहे दिलवाले दुल्हनिया हो, चाहे हम आपके हैं कौन, सब चली है, चलती रहती है, आज भी यहाँ पे बड़ी सी बड़ी फिल्में लग रही हैं। और उसके बीच में हमारा भी आप पोस्टर देख रहे हैं कि एक तरफ एनिमल लगा हुआ है, दूसरी तरफ टाइगर 3 लगा हुआ है और बीच में हम अपना विवाह 3 लेकर के आए हैं। क्या बजट होगा? तो और लोगों के बीच में जो रिएक्शन देखा वो सेटिस्फैक्ट्री रहा, एक कलाकार के तौर पे जो मेहनत, जो साधना हम लोग सिनेमा बनाते हुए करते हैं, उसका फल जब पर्दे के ऊपर दिखता है और लोगों को अगर थोड़ा हंसा पाने में, थोड़ा रुला पाने में अगर अपने आप को सक्षम पाते हैं तो समझते हैं कि हमारा मेहनत सार्थक हो।